हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान सान स्टडी। मैं सतोष श्रीवास्तव आज आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास पढ़ाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स क्लास 10th, ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है, मतलब चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था का विकास, कैसे कैसे आया अर्थव्यवस्था। तो हम लोग ये नहीं पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था अभी कहाँ से आया या इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। अर्थव्यवस्था एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपने घर में, अपने घर के बाहर, ठीक है। अगर छोटी चीज की बात किया जाए कि कहाँ आप देख सकते हैं, तो वह आपका घर है जहाँ आप बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, आपके द्वारा किसी और की इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। जैसे अगर आपके यहाँ जो वेज चीफ वेज अर्नर है, जो मेन घर के कमाने वाले हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वो क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके द्वारा कोई और इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा है। जैसे हम अगर किसी से कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, तो कपड़े खरीद रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, तो उनको बेचना, उनका जो काम कपड़े का बेचने का काम जो हुआ वो उनका इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि आप एक घर से ही देख सकते हैं क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि कौन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, कौन है एशियंट, कौन है, ठीक है। ये है पहला चैप्टर ही का नाम है अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं इतिहास और विकास था, ठीक है। तो वो चैप्टर का मैंने नाम नहीं लिखा है, और ये अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था होता क्या है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन ये बहुत समय से चलता आता हुआ एक क्या बोल सकते हैं इसको, व्यवस्था बोल सकते हैं, जिसमें अर्थ का हो, ठीक है। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है अर्थ प्लस व्यवस्था बराबर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अर्थ यानी धन, इकोनॉमिक्स में अर्थ का जो मीनिंग होता है वो धन होता है, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया धन, व्यवस्था यानी सिस्टम, धन के हिसाब से चलने वाला सिस्टम, वो क्या होता है अर्थव्यवस्था। इसको टोटल अगर करें तो अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। तो अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ये बहुत समय से चलता हुआ, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये ऐसी व्यवस्था जो निरंतर चलती है, वो कभी शायद रुकती भी नहीं है, ठीक है। अगर ये रुक जाए तो पूरा देश ही रुक जाएगा, समय थम तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा महसूस होगा। अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था ये यहाँ मैंने लिख दिया है। अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश के क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था का अभिप्राय एक क्षेत्र यानी कहीं एक क्षेत्र के हिसाब से, अगर घर की बात कर रहे हैं तो घर, इससे बड़ा बात करें तो गांव, इससे बड़ा बात करें तो डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ा बात करें तो स्टेट, उससे बड़ा नेशन, उससे बड़ा वर्ल्ड, ठीक है। तो एक मतलब कहने का मतलब एक एरिया जरूर, ठीक है। अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस देश या क्षेत्र विशेष व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है, ठीक है। मैं ये एक क्षेत्र हो गया, उसके अंदर मनुष्य की, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसका अर्थ, ठीक है, फिर इस पर चलते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपनी संतुष्टि या नीड, जरूरत बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम जिंदा हैं तो हमें खाना चाहिए, बेसिक नीड, ठीक है। बेसिक नीड आप जानते होंगे, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। पहले क्या था, रोटी कपड़ा मकान, पहले इतना ही था, लेकिन अब इसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। पहले ये तीन होते थे, अब पांच हो गया है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये हम लोग के पांच बेसिक नीड है जिसके बिना
शायद मुश्किल है सरवाइव करना रहना, ठीक है। तो ये पहले तीन था, यहाँ तक ये तीन पहले थे, ये तीन पहले थे, रोटी कपड़ा मकान, रहने खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे चीज़ें आई हैं सरकार के द्वारा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी चली जिसमें आप इजीली स्वास्थ्य, इसमें कुछ 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 चीज़ों की सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है जिसमें इसमें कम रेट पे हर चीज़ किया जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, ये रोटी, रोटी मीन्स की सेंस कहने का मीन्स सेंस खाना, ठीक है। अब बहुत सारे अब जगह सरकार के द्वारा सामान दिए जाते हैं कम मूल्य पे, बाजार मूल्य से बहुत कम पे, ठीक है। जन वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं, वो एक योजना चलाती है सरकार जिसमें इसमें दिया जाता है गाँव गेहूँ चावल, ठीक है, दिया जाता है लगभग सभी एरियाओं में, ठीक है। तो ये हो गया रोटी, कपड़ा का आई थिंक नहीं हो, ठीक है। मकान, मकान बिल्कुल है, मकान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है हमारे देश में, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इससे पहला था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसे चलाई जाती है जिसमें आपको पैसा दिया जाता है मकान बनाने के लिए, यानी घर बनाने के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, जैसे योजनाएं, हाँ कहीं कहीं कैंप भी लगाया जाता है, लेकिन आप सब जगह देखते होंगे प्राथमिक से प्राथमिक स्वास्थ्य करके सेंटेंस लिखा होता है जिसको हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप वो गवर्नमेंट खोली है हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कस्बे में, कस्बे में एक छोटा सा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं, वो हर गाँव में होता है, जब उससे बड़े होते हैं तो अंचल या अनुमंडल, ये सब में हॉस्पिटल खोली जाती है जहाँ प्रॉपर अपना दवा ले सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि वहाँ कुछ मिले या ना मिले, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को सब कुछ देती है जो हम लोग की बेसिक नीड होती है, जो हम पूरा नहीं कर पाए तो वो गवर्नमेंट हम लोग को पूरा करवाती है, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल हो गया या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया हर गाँव में। तो ये हो गई शिक्षा, शिक्षा स्कूलों आप देखते होंगे, स्कूल दो तरह का होता है, गवर्नमेंट एक प्राइवेट। तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा, अब उसमें भी बहुत सारा अभियान चलता है जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, और भी सरकारी स्कूल जो खोले जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये पांच बेसिक नीड्स है जिसमें से चार तो गवर्नमेंट आपको पूरा करवा रही है, सिर्फ एक कपड़ा छोड़ के, मेरे अकॉर्डिंग तो कपड़ा तो शायद नहीं मिलता गवर्नमेंट से, लेकिन ये चार चीज जो है पाँच चीज में से नीड्स, पहले तीन थी मैंने बताया, पहले तीन थी रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अब ऐड कर दिया गया है क्या, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है। अब एक और शायद आगे ऐड हो जाए या फिर हो ही जाना चाहिए, स्वच्छता, ठीक है। यहाँ एक शिक्षा के बाद स्वच्छता आ जाएगा, तो क्या जाएगा, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता, ठीक है। तो शायद ऐड हो जाए आगे। तो ये पांच नीड्स है जिसमें चार नीड्स गवर्नमेंट के द्वारा भी पूरा करवाई जा सकती है, आप खुद भी पूरा अगर कैपेबल है या फिर आप उतना आपका अर्निंग है तो आप कर लीजिए, बाकी नहीं तो ये बाकी सारे प्रोसीजर की तरह ही बहुत सारा स्कीम चलती है गवर्नमेंट की तरह जिसमें आपको मिल सकता है। तो ये पांच नीड्स हो गई, तो ये पांच नीड बेसिक नीड्स हो गई, ये आपको पूरा करना ही है, बिना रोटी के आप नहीं रह सकते, बिना कपड़ा के नहीं रह सकते, ठीक है, बिना मकान के आप नहीं रह सकते हैं, भले हाँ ये आप बोलते मकान रेंट हो या फिर कैसा हो, मकान आप रेंट के लिए पे तो कर रहे हैं तब तक तो आपका घर हो गया। फिर था एक स्वास्थ्य, इतने प्रदूषण है तो आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही होगा, शिक्षा जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे, ताकि ये चार आप गवर्नमेंट पे आश्रित ना हो, तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था से का अभिप्राय हमारे अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश के विशेष क्षेत्र से व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को, ये जो आवश्यकताएं थे बेसिक नीड या फिर और जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, संतुष्टि से उन जो भी संतुष्टि से उनके सभी आर्थिक क्रियाकलापों को संपादन किया जाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय देश के उस क्षेत्र विशेष की व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं संतुष्टि के लिए सभी आर्थिक क्रियाकलापों को संपादन किया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप अपनी नीड्स के लिए, आप अपने बेसिक नीड्स या फिर और भी कोई नीड्स के लिए कोई भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आर्थिक क्रिया, मैं आपको बताऊंगा ये आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक
क्रिया, ये मैं इसके बाद आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। तो आवश्यकता संतुष्टि के लिए जो भी आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन, संपादन मतलब उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है, उस काम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है, उस काम को अंजाम दिया जाता है। तो आप, तो ये पूरा डिफिनेशन हुआ अर्थव्यवस्था में हमारे पूरा देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है, वो एक व्यवस्था हो गया, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया, इकोनॉमिक्स का अर्थ हो गया। अब ये दूसरा लाइन देख रहे होंगे, अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था हो गया, ये आर्थिक व्यवस्था हो गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए जो जैसे भी हम लोग जीवन यापन करते हैं उसका सोर्स भी होगा, ठीक है, तो वो आर्थिक व्यवस्था कहलाता है, आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जीवन यापन यानी जीवन प्लस यापन यानी जीवन को यापन करने के लिए, अपने जीवन को जिंदगी जीने के लिए, ठीक है, ये अपनाए गए आर्थिक व्यवस्था। अपने जैसे मैं अपने जीवन को यापन करने के लिए कोई भी आर्थिक व्यवस्था को अपनाऊंगा, ठीक है, कोई भी काम करूंगा जिससे हमारा अर्निंग होगा, उसके बाद हमारा जीवन यापन होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जीवन आर्थिक व्यवस्था होगा, जिस व्यवस्था के अंतर्गत अपना काम या फिर अपनी जिंदगी को चलाएंगे। तो ये दोनों हो गया, ये हो गया अर्थव्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हो गया आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था, ये आर्थिक व्यवस्था के, अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया। अभी तक हम लोग वहां पढ़ लिए थे अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या है, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। आप अपने गाँव में देखते होंगे कि कोई, सब लोग कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है, ठीक है, किसी जैसे डॉक्टर मरीज को देख रहा है, किसान अपना खेती कर रहा है, मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उसके करने का मेन मोटिव होता है, अगर कोई काम आदमी कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, ठीक है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना हो हमेशा, ठीक है। दो तरह के लोग काम कर सकता है, एक हो सकता है मान लीजिए एक काम, ठीक है, ये एक काम हो गया, एक ये काम हो गया, ठीक है। तो इसका मोटिव क्या हो, धन कमाना हो या फिर उससे पैसा कमा रहा है, ठीक है, इससे धन कमा रहा है, मैं पूरा लिख देता हूँ, धन कमा रहा है, या उसका उद्देश्य है धन कमाना है, ठीक है, जिससे वो क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है या साधन कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद उस पैसा को अपनी आवश्यकता पूरा कर रहा है या संतुष्टि, हाँ, आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रहा है, ठीक है, एक और काम कर रहा है, ठीक है, उसका मोटिव धन कमाना ना हो के और भी मोटिव हो सकता है, जैसे सेवा करना किसी का, ठीक है, या मन का संतुष्टि, हो सकता है, ठीक है। तो इससे उसको कुछ नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, इसके बराबर क्या हो सकता है, या तो कुछ भी लिख सकते हैं, या तो वो काम करना उसका मजबूरी हो, या मन की संतुष्टि हो, ठीक है, ये दो काम इंसान कर सकता है। आप भी यही काम करते होंगे, ठीक है, कोई काम करते हैं उससे धन कमा रहे हैं, या फिर धन कमाने का आपका उद्देश्य है, उससे क्या आ रहा है, उससे पैसा आ रहा है, या फिर और कोई भी साधन आ रहा है जिससे अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मरीज देखा, काम मैंने किया, उससे जो भी पैसा कमाया, ठीक है, अपने नीड्स आवश्यकताओं को पूरा करके खुद संतुष्ट हो रहा है, या फिर हमारे फैमिली संतुष्ट हो रहे हैं, या फिर हमारे से जो भी रिलेटेड है वो संतुष्ट हो रहे हैं,
ठीक है। तो पैसा माल संतुष्टि कहने के मतलब खाना खाया, ठीक है, अपने कपड़े लिए, अपने और भी शौक पूरे किए, ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ाया। तो कहने का मतलब है कि आप काम कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, या फिर धन कमाने का कोई भी आपका उद्देश्य हो, मोटिव पैसा कमाना हो ना कि किसी और चीज का, ठीक है, सेवा करना, तो वो सेवा करना मैं यहाँ लिखा हूँ, या फिर आपका मन मन का संतुष्टि हो, या आपका काम वो काम करना मजबूरी हो, ठीक है, ये उद्देश्य हो गया, ये पैसा, इससे पैसा आएगा, आप काम किए उसका मोटिव धन कमाना हो या उद्देश्य धन कमाना हो, उससे क्या पैसा आया या फिर और भी कोई साधन आया जिससे आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि आप कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है काम, ठीक है, उस सेवा देना हो गया, ठीक है, आप किसी को सेवा दे रहे हैं, ठीक है, उससे आप उसका आपका आपका वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि उससे हम पैसा कमा सकते हैं, आपका उद्देश्य ये नहीं, मोटिव ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं कि आप उससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, या तो आपका वो काम मजबूरी हो गया, अपना मन की संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, यही यही दोनों चीज को समझना है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें मैंने पहले ही बताया था आपको कि अर्थशास्त्र में धन बराबर क्या होता है, सॉरी अर्थ बराबर क्या होता है, अर्थ बराबर धन होता है, ठीक है। तो यहां बस क्या करना है, यही को आर्थिक, ठीक है, ये आर्थिक हो गया, यही आर्थिक काम हो गया, या फिर इसको बोल दे, या फिर इसको बोलेंगे आर्थिक कार्य, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये आर्थिक कार्य हो गया, ये क्या हो गया, अनार्थिक काम, अनार्थिक काम। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे इसमें बताया मैंने कि काम, कोई भी जो मजदूरी कर रहा है, डॉक्टर जो अपने मरीज को देख रहा है, इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी, दुकानदार जो अपना दुकान चला रहा है, तो वो एक्टिविटी क्या होगी, वो हमेशा इसमें आएगी आर्थिक, उससे अब पैसा कमा रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। और बाकी इसमें क्या हो सकता है, हम लोग पूजा करते हैं मन की संतुष्टि को, वो भी एक काम हुआ, लेकिन पूजा की, ठीक है, कोई समाज सेवा कर रहा है, उससे उसको पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज जाकर आपने रोड को साफ कर दिया, रोड पे झाड़ू लगा दी, वो भी एक काम ही हुआ, लेकिन उससे आपको पैसा ना, आप उम्मीद कर रहे हैं ना ही आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अनार्थिक काम, उससे आपको कोई आर्थिक या कोई फिनेंशियल आपको हेल्प नहीं हुआ, सो वो क्या हो गया, अनार्थिक कार्य, ठीक है, ये क्या हो गया, आर्थिक, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, या फिर नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा था। तो यहाँ अब इसको समझते हैं, जिन क्रियाओं द्वारा लोग अपने जीवी को उपार्जन, ठीक है, इसको चल लिख सकते हैं आप जीवन यापन, ठीक है, आप इसको जीवन यापन भी लिख सकते हैं, जीविका जीविकोपार्जन या जीवन यापन, अर्थात विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे लाइफ में बहुत सारी जीवन यापन क्या सकते हैं, जीवन यापन वही मैंने पास जो न्यूज बताया उसमें वो जरूरी हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज वही होता है, तो वही चीज है उस चीज को पूरा करने के लिए, ठीक है, उस चीज को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, वो धन कहाँ से आएगा, या फिर साधन चाहिए, धन या साधन, कि मैं इस चीज को समझाऊंगा, धन और साधन, ठीक है, तो धन या साधन, साधन मैं आपको राउंड कर बताऊंगा मैं, तो पूर्ति के लिए धन अथवा साधन प्राप्त करना चाहते हैं, इससे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उससे आपको धन आ रहा है, ठीक है, जब जस्ट लाइक उल्टा चल जाएगा, शुरू से स्टार्ट किया था मैंने, अब जब जस्ट लाइक कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति हो रही है, उसी धन से आप क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस क्रिया को क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया, ठीक है, एकदम सेम यही, कोई भी काम कीजिए, आपका उद्देश्य धन कमाना हो या धन कमा रहे, उससे क्या आएगा पैसा, उससे आप क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि करेंगे, जस्ट उसके उल्टा देखेंगे, कोई भी काम करेंगे जैसे सेवा, उससे मन की संतुष्टि होगी, या फिर मजबूरी है काम करना, उस सब का मिलेगी आपको मन की संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, आप उसे जीवन यापन अपना नहीं कर सकते। तो यही यही दोनों डिफरेंस है, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया। तो जिन क्रियाओं द्वारा कोई भी आदमी अपना जीवन यापन करता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। ये भी तो मैंने साफ साफ लिखा है, जिन क्रियाओं द्वारा लोग अपने जीवन यापन, अर्थात विभिन्न आवश्यकताओं के जीवन यापन के लिए 5 नीड्स जरूरी है, उसके अलावा भी और सारे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे घूमने जाना, और भी कुछ शौक जो होंगे, मूवी देखना,
ठीक है, तो ये तो आवश्यकताएं होगी वो 5 नीड्स, और भी जैसे और अपनी मन की संतुष्टि के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन यापन उस 5 चीज से हो जाएगा, 5 नीड से, और भी विभिन्न आवश्यकताएं जैसे आप मूवी देखने, बाहर घूमने जाना, ऐसे में भी खर्च है, तो वो सब पूरी पूर्ति के लिए धन अथवा साधन, मैं बताऊंगा साधन, धन अथवा साधन प्राप्त करना चाहते हैं, इसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। सेम सेम चीज है, जिस चीज से आप अपने जीवन यापन या अपने जीवन यापन करने की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जिस क्रिया द्वारा, उसे क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया, जिस क्रिया से आप पैसा कमाते हैं, अपने लाइफ को चलाते हैं, ठीक है, लाइफ में अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, बस वही क्या है, आर्थिक क्रिया। तो ये हो गया आर्थिक क्रिया। अब मैं बताता हूँ आपको, और ये तो आराम से समझने के लिए ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। अब मैं साधन को बताता हूँ, ठीक है, धन 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 तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मैंने साधन किस रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा, ठीक है, ये धन जानते हैं आपने, साधन। पहले 2 तरह की सिस्टम होती थी, ठीक है, एक तो होती थी मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते थे मुद्रा व्यवस्था, ठीक है, एक होता था बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम जिसमें होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, तो ये तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। मुद्रा प्रणाली जिसमें आप सामान खरीदे उसके बदले आप पैसे दिए, कंसीडरेशन, ठीक है, आपने कुछ लिया उसके बदले में पैसा दिया, वो सिंपल सा था, जो अभी भी हम लोग देखते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं उसका पे हम लोग पैसा करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मॉनेटरी सिस्टम यानी मुद्रा व्यवस्था, ठीक है, तो ये चीज आप जानते हैं, ये आप रोज देखते हैं, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, तो ये हो गया धन्यवाद, ठीक है। दूसरा है संसाधन, पहले आप सुनते होंगे अपने जो भी आपके घर में है, ठीक है, पूर्वजों से कि इसके बारे में, मुद्रा विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा बहुत, या फिर कुछ कुछ बच्चे जो गांव के होंगे वो देखा भी होगा, अब तो खैर बहुत कम है, फिर भी गाँव में अभी भी ये चलता है, तो अभी कुछ लोग देखे होंगे, लेकिन जो अभी सिटीज में रहते हैं वहाँ ये लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप ये सुनते होंगे कि कोई किसी के घर में काम किया, ठीक है, चाहे वो किसी तरह का काम हो, उसके बदले उन्हें कुछ सामान दे दिया जाता था, गेहूँ चावल इस सब का, ठीक है, कुछ बिक रहा है, आप उससे सपोज दैट आइसक्रीम खाए, उसको आपने गेहूँ दे दिया, पैसा नहीं दिया, इट मीन्स कि सामान के बदले सामान, इसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु यानी सामान, विनिमय मतलब एक्सचेंज, ठीक है, दोनों ने एक्सचेंज किया, आप कुछ सामान दिए वो कुछ सामान दिया, दैट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और प्रणाली मतलब सिस्टम, ठीक है, या व्यवस्था इस पर देख सकते हैं, लेकिन प्रणाली ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो वो एक क्या था, मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली था, ठीक है, मल्टी सिस्टम, जो ये धन वाला जो अभी आप देखते हैं, सामान लिए धन पे किए, कहानी खत्म, लेकिन उससे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु यानी सामान, गुड्स एक्स विनिमय मतलब एक्सचेंज, प्रणाली मतलब सिस्टम, ठीक है, तो वो सिस्टम चलता था, सामान के बदले सामान, या फिर काम, मैंने आपको कोई सेवा दी उसके बदले आप हमें कुछ भी दे दिए, जैसे गेहूँ चावल, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं बार्टर। तो क्या हो गया, साधन किसको कहेंगे, जिससे अपने जीवन को यापन करते हैं, एक पैसा ही साधन नहीं है, अगर कोई हमें गेहूं दे रहा है तो वो भी हमारे खाने यानी जीवन यापन करने की क्या है, गेहूं क्या करेंगे, खाएंगे, तो उससे भी हमारा जीवन चल सकता है, तो वो जीवन के क्या हो गए, साधन हो गए, धन ही एक साधन नहीं हो सकता, धन से क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या करेंगे, धन से गेहूं को खरीदेंगे तब खाएंगे, वो धन ना देके आपको डायरेक्टली गेहूं दिया, ठीक है, जैसे कहीं आपने काम किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, धन मिला, धन से कहाँ इन्वेस्ट किया आपने,
सपोज दैट खाना खरीदा या फिर गेहूँ गेहूँ लिखते हैं, गेहूँ खरीदा उसको खाया जिससे आपका जीवन यापन हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है, ठीक है। और अगर बार्टर सिस्टम में देखा जाए, वस्तु विनिमय प्रणाली में, अपने काम किया, धन ना देके सीधे गेहूं दिया, ठीक है, जिससे अपने खाया, आपका जीवन यापन हुआ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, देखिए काम का काम, गेहूं का गेहूं, खाना खाना, जीवन यापन आपका हो रहा। लेकिन ये धन, ये जो मीड मैन का काम करता था धन, ये सिर्फ नहीं है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फिर खत्म हो गई, क्योंकि इसका कोई एक पैमाना नहीं था नापने का कि किस चीज है। अब आइसक्रीम खाते हैं तो एक आइसक्रीम का दाम 10 रुपया, ठीक है, तो 10 रुपया तो दे दिए, उसका मार्केट में लगभग कुछ दिनों तक, लंबे समय तक वही रहता है, वही प्राइस रहेगा आइसक्रीम का। लेकिन अगर बात गेहूं का किया जाए तो कितना गेहूं दिया जाए 10 रुपया का, ठीक है, उसके बराबर का। तो इस बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम थी, इसलिए इसको हटा दिया गया लगभग, या फिर हटाया नहीं जा सकता, भूल नहीं सकते हम लोग, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं हटाई, तो हम लोग ही अब धीरे धीरे इस चीज को हटा दिया। तो ये हो गया काम दोनों वही, तो ये क्या हो गया, दोनों साधन ही है, धन धन और गेहूं, दोनों क्या है, साधन ही है। वही चीज को मैंने यहाँ लिखा है, ये साधन को समझाने के लिए मैंने वहां बहुत सारे आपको प्रणाली दिखाई, सिस्टम जिसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम और बैटर सिस्टम, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये सिर्फ साधन के लिए मैंने उतना बताया आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ये चीज भी उसी चीज के लिए लिखी थी, बाकी डिफिनेशन आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, जिन क्रियाओं द्वारा लोग अपने जीवन यापन अर्थात विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं जिससे उनके धन या फिर साधन मिलते हैं, ठीक है, तो वो डिफिनेशन हो गया। तो ये हो गया आर्थिक क्रिया, मैंने क्या क्या बता दिया आपको, अर्थव्यवस्था का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, परिचय, अर्थ, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, और एक आर्थिक, एक ये आर्थिक क्रियाएं हो गया, एक आर्थिक व्यवस्था, चार चीज मैंने बताया है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है अर्थव्यवस्था का प्रकार, ठीक है, यार टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब अर्थव्यवस्था की बात किया जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने इसके बहुत सारे बेसिक चीज है, जैसे स्वामित्व, एक पाला अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, स्वामित्व के आधार पर, क्या हो गया, एक हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं जो स्वामित्व के आधार पे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको पढ़ेंगे विकास या विकासशील या अंडर, मतलब डेवलपिंग या अंडर डेवलपमेंट, वो सब चीज इसके बाद आएंगे। तो इसको बांटा गया है तीन चार चीजों पे बेसिक, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ राइट पर पढ़ेंगे स्वामित्व। स्वामित्व कहने का मतलब इसको आप बोल सकते हैं अधिकार, ठीक है, अधिकार के आधार पे, कहने का मतलब किस चीज में किसका ज्यादा अधिकार, ठीक है, एक समाज का हो सकता है, सरकार का हो सकता है, या फिर एक दोनों का हो सकता है मिलजुल के, ठीक है। तो हम लोग को तीन, इसमें तीन पढ़ना है, ठीक है, इसमें हम लोग को तीन पढ़ना है, पहला पढ़ना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पढ़ना है सामाजिक अर्थव्यवस्था, तीसरा पढ़ना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये तीन स्वामित्व के आधार पे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राइट के आधार पे क्या है, तीन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मेन मोटिव लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, जिसमें जो पूंजी लगाते हैं उनका ज्यादातर अधिकार होता है, ठीक है। सामाजिक यानी समाज का अधिकार होता है, सामाजिक, दूसरा होता है मिश्रित, इन दोनों का,
ठीक है, इन दोनों का जो मिलके बनता है वो ये बनता है, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको अगले क्लास में पढ़ने होंगे, ठीक है। मैं इस तीनों चीज टॉपिक पे बताऊंगा, और भी आगे जाएगा, जिससे ये स्वामित्व के आधार पे आगे होगा, विकासशील, विकसित, या फिर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डेवलप्ड, ठीक है, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग, ये तीन चीज, तो उस चीज पे भी बहुत दो तरह से बांटे गए हैं या तीन तरह से बांटे गए हैं, वो चीज अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी स्वामित्व के आधार पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक, और ये क्या होते हैं, किन किन देशों में लागू हो गया, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी लाभ और हानि, जो भी ये इस चीज पे मैंने आपको उस दिन बताना है, ठीक है, डील कर चुके हैं। क्या क्या, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और एक बताया था आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिकल सिस्टम। तो वो चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, इतना अच्छा चैनल एक स्टार्ट हुआ जिस पर पढ़ाई हो रही है। सो शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।